सीरियल अनुपमा में अनुपमा पहुंच चुकी है बरखा और अंकुश के पास अपने सवालों के जवाब देने के लिए। अनुपमा को हो गया है बरखा और अंकुश पे डाउट। क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हुए। कपाड़िया अंपायर की असली मालकिन अनुपमा जो है वो अब पहुंच चुकी है अपनी जेठानी के पास अपने सवाल का जवाब देने के लिए। अनुपमा को बरखा और अंकुश पे शक हो गया कि आध्या को गायब करने के पीछे इनका ही हाथ है। अब आध्या को लेकर आध्या को ढूंढने के लिए अनुपमा निकल चुकी है। अनुपमा को जो है मतलब शक हो गया है कि बरखा ने ही जरूर कुछ किया है, आध्या के गायब होने के पीछे इसका ही हाथ है। तो अनुपमा एड्रेस ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है बरखा और अंकुश के घर पे और वहाँ जो है वो अपने सवाल का जवाब देगी। लेकिन वहाँ पे अनुपमा जाके देखती है कि वहाँ ऑलरेडी पार्टी चल रही है, सब एकदम नशे में। इनफैक्ट बरखा और अंकुश दोनों भी एकदम नशे में धुत है। तो देखते हैं कि अनुपमा वहाँ जाने के बाद कैसे बात करती है, क्या करती है। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अनुपमा के साथ बरखा और अंकुश ने जैसा किया है उसका कर्मों का फल मिलने का वक्त आ गया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बरखा के घर में आग लगने वाली है। अब क्या इस आग में बरखा का सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब जो है अगर अनुपमा बरखा और अंकुश तक पहुंच गई है तो डेफिनेटली अनुपमा अपनी बेटी छोटी तक भी पहुंच जाएगी। वेल, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे। अनुपमा फाइनली बरखा और अंकुश तक पहुंच चुकी है, यानी आध्या की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और भी अपडेट के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करें। गपशप तो